के गुरु प्रख्यात शिक्षाविद गुरु प्रसाद को याद किया उनके परिजनों, साथियों और शिष्यों ने। 14 नवंबर 1922, एक ऐसी तारीख जिसने विंध ही नहीं देश को प्रख्यात शिक्षाविद दिया था। उन्हें याद किया रीवा के मॉडल स्कूल में उनके परिजनों, उनके शिष्यों ने। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुरु प्रसाद श्रीवास्तव की, जिन्हें याद करने, उनके चाहने वालों के संस्मरण सुनने सुनाने भारी मात्रा में मॉडल स्कूल के पुराने छात्रों का जमावड़ा लगा। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। जी हाँ, मॉडल स्कूल में उपस्थित जनमानस के दिलों दिमाग में बस यही शब्द गूंज रहे थे। यहाँ उपस्थित डॉक्टर वीसी सिन्हा, पूर्व वीसी शिक्षाविद तारा जोशी, प्रदेश के ख्याति प्राप्त साहित्यकार प्रोफेसर सरकार जैसे तमाम लोगों का बस एक ही कहना था, गुरु प्रसाद जैसे टीचर देखा ही नहीं। प्राचार होने के बाद भी टीचरों की तरह बच्चों को पढ़ाना ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से मजबूत बनाने, खेल कूद के लिए प्रेरित करने वाले वो उस जमाने के शायद विरले ही शिक्षक रहे होंगे। गुरु प्रसाद जी को नजदीक से जानने पहचानने उनके प्राचार्य काल में शिक्षक रहे नर्मदा प्रसाद जी ने उनके जीवन के कई अनसुने अनजाने पहलुओं पर प्रकाश डाला। गुरु प्रसाद जी की शिक्षा का ही असर था जब एक चिकित्सक, जो उनके पुत्र ही हैं, ने हिंदी में उनके संस्मरण भरी पुस्तक का प्रकाशन कर डाला। आदरणीय मच्छर मुख्य अतिथि श्री सिन्हा साहब जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष मैडम ज्ञानोस जस्ती मैडम, मच्छर अतिथिगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभाव एवं बच्चे एवं बच्चियों, आज संस्मरण पुस्तक के विमोचन समारोह में मेरा समस्त परिवार, मॉडल स्कूल का परिवार, पिताजी के सभी निकटतम परिजन, समकालीन परिजन, उनके अधीनस्थ रहे सारे परिजन, उनके सभी छात्र इस अवसर पर गौरवान्वित हो कि उनके इस संस्था के लिए कोई कार्यक्रम होने जा रहा है जिसके कि वे संस्थापक प्राचार्य रहे हैं। मैं आज इस कार्यक्रम में प्रोफेसर वीसी सिन्हा साहब, ज्ञानवती अस्थी मैडम, प्रोफेसर पीके सरकार साहब, ताराचंद जोशी साहब और प्राचार्य मॉडल स्कूल श्री यशपाल सिंह जी चौहान साहब एवं उनके सारे स्टाफ का स्वागत करता हूँ। इस पुस्तक में अपना आलेख के रूप में अपना योगदान देने वाले सभी लेखकों को तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ। उनके कुछ समकालीन परिजन अपनी अवस्था और अस्वस्थता के बाद भी शरीक हुए हैं, मैं उन सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस पुस्तक में आदरणीय स्कूल के बहुत सारे छात्र भी शरीक हुए हैं और ऐसे छात्र जो मॉडल स्कूल के पहले पढ़ चुके हैं, जो कहीं बाहर भी रहे या यहाँ पर हैं, वो भी काफी संख्या में आए हुए हैं। मैं इस समय मौजूद हूँ रीवा के मॉडल स्कूल में। मैं आपको बता दूं, 1979 मैं भी इस स्कूल का छात्र था जहाँ मैंने 9वीं 10वीं 11वीं की पढ़ाई की। यहाँ पर जो इस समय कार्यक्रम चल रहा है वो उस समय हमारे प्राचार्य गुरु प्रसाद जी, जो आज हमारे बीच नहीं हैं, उनको याद करके उनके परिजन, उनके चाहने वाले, उनके शिष्य आज यहाँ पर एकत्र हुए हैं और उनके बारे में अपने अपने संस्मरण सुना रहे हैं। मैं आपको बता दूं, एक संस्मरण मुझे भी याद आ रहा है। जब कक्षा 8 में पास करने के बाद हम लोगों ने 9वीं में प्रवेश लिया, उस जमाने में रीवा का सबसे अच्छा स्कूल मॉडल स्कूल ही माना जाता था। आप वहां प्राचार्य हुआ करते थे, हम लोग पढ़ाई में काफी बच्चे कमजोर थे, लेकिन जैसा कि हमको बाद में पता चला, वो कमजोर बच्चों पर अपना ज्यादा ध्यान रखते थे, उन पर ज्यादा अपना स्नेह दिखाते थे। शायद इसी के चलते उन्होंने एक नए सेक्शन का इजाद किया जिसको उस जमाने में डी सेक्शन का नाम दिया गया था। मैं उसी डी सेक्शन का छात्र हुआ करता था। शायद नहीं, मैं यकीन से कह सकता हूं
ये उन्हीं की शिक्षा का असर था कि मैं आज आपके सामने खड़ा होकर ये बात बड़े गर्व फख्र से कह रहा हूं कि मैं भी गुरु प्रसाद जी का एक बेहतर शिष्य बन सका। रीवा दर्शन के लिए मैं जावेद अंसारी।